आखिर अशोक कुमार अरोड़ा इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से कब माफी मांगने जाएंगे? यह सवाल लाजमी तौर पर इनेलो के प्रत्येक कार्यकर्ता परस्पर वार्तालाप में पूछ रहे हैं। स्मरण रहे कि अपना त्याग पत्र देते समय इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने सार्वजनिक रूप से यह ऐलान किया था कि वे अपने इस कृत्य के लिए ओपी चौटाला से माफी मांगने जाएंगे। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़ते हुए खेद व्यक्त कर भी दिया था। अब क्योंकि अशोक अरोड़ा दिल्ली जाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो चुके हैं, इसके अलावा कुछ क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन भी अशोक अरोड़ा साझा कर चुके हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ओम प्रकाश चौटाला के पास जाने का अशोक अरोड़ा साहस करते भी, लेकिन अभय चौटाला की कड़ी प्रतिक्रिया आने के बाद अशोक अरोड़ा शायद ही अब ओम प्रकाश चौटाला से मिलने जाएं। स्मरण रहे कि अभय सिंह चौटाला ने यहां तक कहा था कि यदि इनेलो सुप्रीमो के जेल से बाहर आने के बाद अशोक अरोड़ा इनेलो छोड़ देते तो उन्हें तकलीफ कम होती, लेकिन जिस ओम प्रकाश चौटाला ने अशोक अरोड़ा को सब कुछ दिया, आज उसी अशोक अरोड़ा ने बीच मझदार में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का साथ छोड़कर उनके साथ गहरा विश्वासघात किया है। जाहिर तौर पर अभय सिंह चौटाला इस कदर कड़वाहट भरे शब्दों पर उतारू हो गए। ऐसी सूरत में अशोक अरोड़ा के समर्थकों का कहना है कि अरोड़ा अब चाहते हुए भी इनेलो सुप्रीमो के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।